सर्वमंगल मांगल्य शिवे शर्वार्थ शादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। कैसा रहेगा 2020 धनु राशि के जातकों का, ये इसी विषय पे करते हैं चर्चा। मित्रों, धनु राशि का जो ये वार्षिक राशिफल है 2020 का, इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ करके कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह अवधि काफ़ी अच्छी रहेगी और आप अपने प्रीतम के साथ संबंधों में निकटता का अनुभव करेंगे। आपका साथी भी आपकी भावनाओं को समझेगा और यदि आप किसी भी प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी मधुरता की ओर रहेगा और आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल भी बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। हालांकि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस साल आपकी संतान भी उन्नति प्राप्त करेगी। इस वर्ष आपको प्रॉपर्टी संबंधित काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं और आपका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी हद तक सुकून में हो सकता है। घर परिवार में किए गए सदस्य का आगमन हो सकता है, नए सदस्य आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। करियर में विदेशी स्रोतों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपको अपने ही कार्यों में सराहना प्राप्त होगी। आपको अपने मनचाहे स्वास्थ्य का स्थान का स्थानांतरण हो सकता है। यह साल अच्छी संभावनाओं और योग्यताओं के अनुसार आपको लाभ प्रदान कराने वाला है। यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि कराने वाला है। तो मित्रों, आपका ये राशिफल 2020 का हमने बताया। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कथा इत्यादि प्रवचन इत्यादि जो भी आप कराना चाहते हैं उसकी पूर्ण व्यवस्था वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से की जाती है। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। 2020 आपके लिए मंगलकारी हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।